नाजरीन, बरतानिया में कोरोना ने हालात को संगीन तर बना दिया है। मजीद 917 अफराद कोरोना के हाथों जिंदगी की बाजी हार गए और अस्पताल में जेर इलाज बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की हालत बेहतर हो रही है। उधर स्पेन में यौमिया हलाकतों में कमी देखने में आई है। 24 घंटों के दौरान 400 हलाकतें रिपोर्ट हुई, जबकि हुकूमत ने 10 लाख कोरोना टेस्टिंग किट्स तिब्बी अमले को देना शुरू कर दी हैं। इटली की बात करें तो इटली में भी कोरोना का जोर टूटता जा रहा है, जहां मजीद 619 मरीज हलाक हुए हैं। मुल्क में ईस्टर की तमाम तकरीबात को मनसूख कर दिया गया है। मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हमारे नुमाइंदगान से मजीद जानते हैं। लंदन से गुलाम हुसैन आबान और स्पेन से शाहिद अहमद शाहिद, जबकि इटली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं तनवीर इरशाद। सबसे पहले बात करते हैं गुलाम हुसैन आबान से। गुलाम हुसैन, बताइएगा बरतानिया में कोरोना के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या बेहतरी देखने में आ रही है? जी बिल्कुल, बरतानिया के अंदर जो है वो टोटल हलाकतों की तादाद तकरीबन 10,000 के करीब हो चुकी है, और आज भी जो है वो 917 के करीब जो अफराद हैं वो कोरोना वायरस की वजह से जो है वो जांबक हुए। इसके अलावा जो है वो अब तक जो NHS का स्टाफ है 19 के करीब जो है वो NHS का स्टाफ कोरोना वायरस की वजह से जो है वो जांबक हो चुका है, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट काफ़ी कंसर्नड है, और NHS का जो जितना भी स्टाफ है उसकी टेस्टिंग के लिए जो है वो इस वक्त हंगामी बुनियादों पर जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं। आज भी हेल्थ सेक्रेटरी ने जो है वो ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमारी कोशिश है कि हम इसी हफ्ता के अंदर जो है वो जो आने वाला हफ्ता है उसके अंदर जो है वो हम तमाम NHS के स्टाफ की जो टेस्टिंग है उसको मुकम्मल कर लें, ताकि इसका जो फैलाव है हॉस्पिटल्स के अंदर जो है उसको जल्दी से रोका जाए। इसके अलावा आपको बताऊं कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उनकी तबीयत पे जो काफ़ी बेहतरी आ रही है, लेकिन अभी तक वो वार्ड के अंदर ही हैं, और आइंदा कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर जो है उनका दोबारा टेस्ट लिया जाएगा, और अगर उनका जो है वो कोरोना पर जो कोरोना का टेस्ट है अगर वो नेगेटिव आया तो फिर जो है उनको घर जाने की इजाज़त मिलेगी, जिसके बाद जो है वो मामूल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू कर सकते हैं। जी, मुल्क में ईस्टर की तमाम तर तकरीबात को मनसूख कर दिया गया है। गुलाम हुसैन आबान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। स्पेन में हमें ज्वाइन किया है शाहिद अहमद शाहिद ने। शाहिद अहमद, बताएगा कि स्पेन के क्या हालात हैं, क्या हालात में बेहतरी नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, जानलेवा कोरोना वायरस ने बड़े पैमाने पर तबाहियाँ फैलाई थी, स्पेन में शहरों को वीरान कर दिया था, मगर ऐसा लगता है कि अब उसके कदम उखड़ना शुरू हो गए हैं स्पेन में, क्योंकि आए दिन जो नए आने वाले केसेस हैं उनमें भी कमी आ रही है, और जो अमवात का सिलसिला है वो भी अभी थमा तो नहीं मगर उसमें कमी जो है वो आना शुरू हो गई है। माहिरीन के मुताबिक गुज़श्ता 3 रोज़ से मुसलसल जो अमवात हैं उनकी तादाद घट रही है। दूसरी जानिब हुकूमत ने जो कोरोना टेस्टिंग किट्स थी वो तिबी अमले को फराहम करना शुरू कर दी हैं, जो 10 लाख के करीब है। 2 लाख किट्स सिर्फ वैलेंसिया शहर के लिए मखसूस की गई हैं, और बाकी जो किट्स हैं वो पूरे स्पेन में दी जाएंगी। इसी तरीके से इस मंडे से जो तिबी अमला है वो बसों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आम शहरियों को जो मास्क हैं वो फराहम करेगा, ताकि कुछ लोग जो काम पे जाना शुरू हो जाएंगे उन्हें सहूलत दी जा सके। इस तरीके से तवक्को ये है कि 26 अप्रैल के बाद जो लॉकडाउन है उसमें भी कदर नरमियाँ बरती जाएंगी। दूसरी जानब जो वज़ीर आज़म पेद्रो सांचेज़ हैं उन्होंने लॉकडाउन को 10 मई तक बढ़ाने का इंदिया भी दिया है। अगर पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बात करें तो 5 पाकिस्तानी भी इस मूजी वायरस का शिकार होकर ज़िंदगी की बाजी हार। जी, बरतानिया में हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन स्पेन में बेहतरी आ रही है और मरीजों की तादाद भी घटती जा रही है। शाहिद अहमद शाहिद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इटली से तनवीर इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तनवीर, कोरोना के फैलाव के हवाले से क्या सूरत हाल है बताइएगा, और हुकूमती सतह पर क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इटली में कोरोना वायरस की वजह से मजीद 619 अफराद जो है आज गुजरे 24 घंटों के दौरान हलाक हो गए, जिसके बाद जो मजमूई तादाद इटली में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की वो 19,468 तक जा पहुंची है। अतालवी हुकूमत के मुताबिक जो है अब बहुत तेज़ रफ्तारी से जो है टेस्ट किए जा रहे हैं लोगों के, जिसकी बात जो है मुतासर की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तक जो है 1,52,000 से ज्यादा जो इटली में कोरोना वायरस से मुतासर सामने आ चुके हैं, जबकि जो इस वक्त जो एक्टिव केस है कोरोना वायरस की उनकी तादाद भी जो है 1,02,000 तक जा पहुंची है। दूसरी जानब जो है अतालवी हुकूमत की जानब से 13 अप्रैल के बाद जो जज्वी तौर पर सनतों और कुछ फैक्ट्रियों में लॉकडाउन के खात्मे का जो एक प्रोग्राम पेश किया गया था, उससे जो रीजन्स के जो गवर्नर्स हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर मुस्तद करते हुए कहा है कि वो मरकजी हुकूमत की जो है इस तजवीज़ से बिल्कुल इतफाक़ नहीं करते, क्योंकि वो इस जो मुजस्सा सूरत हाल है इसमें वो आवाम की जो सेहत के हवाले से कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। दूसरी जानब अतालवी हुकूमत ने जो है ईस्टर की तकरीबात हैं उन्हें भी मुकम्मल तौर पर मनसूख करते हुए लोगों को घरों में रहने की हिदायत की है, और ईस्टर के मौके पर तमाम जो मार्केट्स हैं उन्हें भी बंद करने का फैसला किया है।
सिर्फ जो बच्चों जो छोटे बच्चों की जो कपड़ों वगैरह की या जो खाने पीने की जो दुकानें हैं उन्हें खुले रखने की इजाज़त दी गई है। जी इटली में हालात ख़राब और ईस्टर की तकरीबात को मनसूख कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया तनवीर, आप हमें आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, गुलाम हुसैन अवान बरतानिया से, जबकि शाहिद अहमद शाहिद स्पेन, और तनवीर इरशाद हमारे साथ इटली से मौजूद थे और कोरोना के हवाले से ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं हमें बता रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।